नमस्कार, मैं नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार से उपजी कलह थमने का नाम ही नहीं ले रही है। 7 बार के विधायक और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवी सिंह भाटी ने हार के लिए पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ को निशाने पर लिया है। देवी सिंह भाटी ने राजस्थान में बीजेपी की हार को लेकर सीधे तौर पर राजेंद्र राठौड़ की लड़ाई को वजह बताई है। उन्होंने कहा है कि राजेंद्र राठौड़ ने चुनाव का पूरा वातावरण खराब कर दिया। जिस प्रकार से राजस्थान में टिकट कटवाया गया, ये गलत था। सबसे बड़ा घात है चूरू सीट से राहुल कस्वां का टिकट कटवाना साबित हुआ है, जबकि राहुल कस्वां का काम और जनसंपर्क काफ़ी अच्छा था, लेकिन कस्वां का टिकट काटने से पूरे राजस्थान में जाट एकजुट नहीं रहे हैं। बीजेपी को जाट वोट का भारी नुकसान हुआ है, इस वजह से जाट विद्रोह करने लगे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान में बीजेपी को 11 सीटों का बड़ा नुकसान हुआ है। इसके पीछे बड़ी वजह गुटबाजी मानी जा रही है। अब चुनाव समाप्त होने के बाद राजस्थान में हारे हुई 11 सीटों पर कारण का पता लगाया जा रहा है और आत्ममंथन शुरू हो चुका है। तो वहीं सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में लोकसभा चुनाव की हार पर आत्ममंथन की रिपोर्ट है वो पीएम मोदी को भी सौंपी है। लेकिन इस बीच प्रदेश में अब बीजेपी के अंदर एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ा जा रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता देव सिंह भाटी ने बीजेपी की हार को लेकर राजेंद्र राठौड़ को जिम्मेदार ठहराया है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले चूरू से राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा चुनाव में हार की वजह कस्वां को ठहराया था। राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि जय चंदो की वजह से ही चुनाव हार गए थे, इशारों में राहुल कस्वां को जिम्मेदार ठहराया था। चूरू सीट से राहुल कस्वां का टिकट कटने के बाद वे कांग्रेस में शामिल होकर उम्मीदवार बने। ऐसे में लोकसभा चुनाव में दोनों के लिए चूरू सीट नाक की लड़ाई बन गई थी, लेकिन दूसरी ओर इसका असर पूरे राजस्थान पर पड़ने वाला था, इसे कोई भांप नहीं सका। तो वहीं अब देवी सिंह भाटी ने राजेंद्र राठौड़ को बीजेपी की हार का जिम्मेदार ठहराया है। देवी सिंह भाटी ने कहा कि अगर राहुल कस्वां का टिकट राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कटवाया नहीं होता तो बीजेपी को जीत मिलती। इसके साथ उन्होंने कहा कि हार के और भी कई कारण बताए जा रहे हैं। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। मैं नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।